इन सबको कारावास में डाल दो और यह सारा धन राजकोष में संग्रहित करवा दो। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों ले चलो इन्हें। ये कैसा खेल है आपका शनिदेव? मैं समझा नहीं माता। क्या ये सत्य नहीं है कि आपने मेरी कृपा को अनुचित और अपनी साढ़े साथी को प्रभावी ठहराने के लिए उस धनपत पर अपनी दृष्टि डालकर उसे कारावास में डलवा दिया? नहीं माता, धनपत कारावास में मेरी दृष्टि के कारण नहीं गया है। उसे कारावास की यातना झेलनी पड़ रही है उसके कर्म फल के कारण। कल का सूर्योदय आपके प्राणों पर संकट होने वाला सूर्योदय होगा पिताजी। यदि उसने धन का दुरुपयोग किया तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह धन उसे ईश्वर की कृपा से प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि ईश्वर की कृपा ऐसे व्यक्तियों पर कदापि नहीं होती। फिर वह हमारे दंड का उचित पात्र बन जाएगा। जितना कुछ मैंने साढ़े साथी में गवाया था उससे कई गुना अधिक मुझे आज प्राप्त हो गया। यही तो कर्म फल है, आपके अच्छे कर्मों का फल, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता है। वैसे धन मिलने से आप प्रसन्न तो है ना? हाँ देवी, क्योंकि धन ही तो सत्कर्म का साधन होता है। तो आप किसे अधिक मानते हैं, लक्ष्मी जी को या कर्म फल दाता शनिदेव को, जिनकी साढ़े साथी में आपको घोर कष्ट मिला? सत्य कहूँ तो अच्छे तो शनिदेव भी है।